डेकोरेशन व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे, जैसे अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, या फिर इस व्यवसाय को स्थापित करने में आपको कितने अधिक निवेश की आवश्यकता होगी और आप किस तरीके से अपने व्यवसाय में अपनी कीमत फिक्स करें। साथ ही किन किन तरीकों की मदद से आप अपने होम डेकोर व्यवसाय की मार्केटिंग कर सकते हैं। होम डेकोर आइटम्स व्यवसाय शुरू करने के फायदे। घर से की जा सकती है शुरुआत। इस तरह का व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी नहीं कि शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में ही आप अपने ऑफिस संचालित करें, बल्कि इसके लिए आप अपने घर से भी आसानी से गोदाम के रूप में अपना कार्य संचालित कर सकते हैं। इस बात का निर्धारण आप अपने निवेश के आधार पर कर सकते हैं। यदि आपके पास निवेश अधिक है तो अवश्य अपनी शॉप को मार्केट में ही लगाएं। बहुत ही जल्द देता है मुनाफा। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिन्हें आज शुरू करने पर मुनाफे की उम्मीद एक साल बाद की जाती है, परंतु होम डेकोर आइटम्स व्यवसाय में जैसे ही आपने अपना माल लोगों को बेचा, वैसे ही आपको आमदनी आना शुरू हो जाएगी और लोगों की मांग के अनुसार यदि आप उन्हें सामान पहुंचाते हैं तो उनका विश्वास भी बढ़ता जाएगा। इंटरनेट की सहायता से आसानी से बढ़ा सकते हैं पहुंच। कई बार ई कॉमर्स कंपनी से जुड़ने का नुकसान भी आपको झेलना पड़ता है, परंतु इस व्यवसाय की दृष्टि से सोचें तो यहाँ पर आपको मुनाफा ही होगा, क्योंकि आपके पास एक बड़ा टारगेट कस्टमर बेस उपलब्ध हो जाएगा। बेहतरीन गुणवत्ता के सामानों को आप आसानी से ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर बेच सकते हैं। हालांकि होम डेकोर आइटम बिजनेस में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि वर्तमान में यह व्यवसाय बहुत अधिक कॉम्पिटिशन वाला हो गया है, साथ ही आपको एक अच्छे सप्लायर का भी मिलना मुश्किल है। इसके अलावा आपको अधिक निवेश की भी आवश्यकता पड़ सकती है, साथ ही आपको समय के प्रति पूरा सचेत रहना होगा, क्योंकि यदि आपके कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी नहीं मिली तो वो आगे से आपसे सामान लेने में कतराएगा। कैसे चुनें अपनी व्यवसाय का नाम। अपने बिजनेस फर्म या फिर कंपनी का एक बेहतरीन नाम चुनना भी एक कला होती है, और आपको ऐसा ही नाम चुनना होगा जो देखने एवं सुनने में लोगों को पसंद आए तथा जो याद करने में आसान लगे। क्योंकि यदि आप इंटरनेट की सहायता से अपना सामान बेचते हैं और अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसे कंपनी के नाम पर ही आपको बनवाना होगा। इसलिए नाम को साधारण बनाएं, जिससे कि लोग आपकी फर्म के नाम को इंटरनेट पर सर्च कर अपनी वेबसाइट तक पहुंच सकें। साथ ही आप एक आसानी से बोला जा सकने वाला और याद रहने वाला स्लोगन भी बना सकते हैं। सुनने में ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, परंतु यही सब चीजें आपके व्यवसाय को बड़ा करने में मदद करती हैं। होम डेकोर आइटम बिजनेस में लगने वाली कुल लागत एवं आवश्यक वस्तुएं। व्यवसाय के आकार पर आधारित निवेश। मुख्यतः आपका निवेश आपके व्यवसाय के साइज पर निर्भर करता है। यदि शुरुआत में अधिक स्तर पर होम डेकोर आइटम बेच पाएंगे तो इसे आप बड़े स्तर पर शुरू कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में 2 से 3 लाख रुपए तक के निवेश में आपका काम आसानी से हो जाएगा, परंतु शुरुआत में छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए आपको केवल 1 लाख तक के निवेश की आवश्यकता होगी, जो कि कोई बड़ा निवेश नहीं माना जाता। जगह की कीमत। अपनी जगह लेने के लिए आपको 30,000 रुपए से 40,000 रुपए तक का किराया चुकाना पड़ सकता है। इसके साथ ही ऑफिस के दूसरे खर्चों को जोड़ा जाए तो लगभग 20,000 रुपए खर्च होंगे। कर्मचारी खर्चा। अपने यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को रखने के लिए आपको 50,000 रुपए तक की राशि चुकानी पड़ सकती है। साथ ही बिजनेस को ऑनलाइन स्तर पर चलाने के लिए आपको थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए, जैसे कि लैपटॉप, कैमरा, मॉनिटर, स्पीकर इत्यादि, जिससे कि आप अपने व्यवसाय का सोशल मीडिया और इंटरनेट की सहायता से प्रचार कर सके। कौन कौन सी स्किल की होगी जरूरत। डिजाइन स्किल। इस व्यवसाय में सबसे ज्यादा डिजाइनिंग स्किल की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग तरह की डिजाइनिंग आनी चाहिए। यदि आप एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहेंगे तो आपका कस्टमर बेस छोटा होता जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको सामान बनाने में नए रिसर्च और इनोवेशन की आवश्यकता होगी। इसमें आप क्रिएटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, आर्टिकुलेशन इत्यादि थॉट प्रोसेस की सहायता ले सकते हैं। कस्टमर सर्विस स्किल। आपका बात करने का तरीका आपके ग्राहक को अगली बार आपकी दुकान तक लाने में मजबूर करना चाहिए। मित्रता और शालीनता के स्वभाव से बात करने पर आपको अंदर प्रोफेशनलिज्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और फ्रेंडली मैनर विकसित होता है। लीडरशिप एवं ट्रेनिंग स्किल। एक बेहतरीन कौशल युक्त व्यक्तियों से बनी हुई टीम का लीडर भी हमेशा एक स्किल्ड व्यक्ति ही होता है। आपको भी उसी व्यक्ति की तरह अपनी टीम को लीड करते हुए उन्हें लीडरशिप की गुणवत्ता सिखानी है, साथ ही दूसरी स्किल की भी ट्रेनिंग देनी है। साथ ही समय के साथ आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी धीरे धीरे परिवर्तित होगी और वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार इस व्यवसाय में भी आप रिस्क लेना शुरू करेंगे।
किस तरीके से बनाएं अपना बिजनेस प्लान। अपना एक बिजनेस प्लान बनाने के लिए आपको खुद को ही अपनी सफलता के बारे में क्रिटिकल होना पड़ेगा और आपके द्वारा की जाने वाली गलतियों को पहले ही हटा देना होगा, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में असफलता के पीछे मुख्यतः उस व्यवसाय का कमजोर बिजनेस प्लान ही होता है, जिसमें निवेश, मुनाफा एवं व्यापार के दौरान आने वाली दूसरी समस्याओं के बारे में पहले से जानकारी सोच कर रखी जाती है। जैसे कि आप पहले से ही अपना एक क्षेत्र तय कर लें कि आपको किसी संस्था या वर्तमान में प्रचलित वॉशरूम डेकोरेशन को चुनना है या फिर दूसरे प्रकार के डेकोरेशन को। साथ ही अपने सामान और सेवाओं को दृढ़ स्तर पर फोकस में रखें और इसे अपने ग्राहकों के साथ शेयर करें, जिससे कि ग्राहकों में भी आपके प्रति विश्वास की भावना जागे। मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटी हो कभी भी मिस ना करें, अर्थात वर्तमान में जिस प्रोडक्ट की डिमांड अधिक है उसे अपने उत्पाद में जरूर शामिल करें। इस प्रकार इन सभी चीजों के साथ आपको बेहतरीन गुणवत्ता युक्त सेवा को लोगों तक पहुंचाना होगा। इसके लिए अत्यधिक डेडिकेशन की जरूरत होगी। इस प्रकार के स्किल वाले व्यवसाय को आप केवल तभी शुरू करें जब आप में इस व्यवसाय के प्रति रुचि हो, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में मुनाफा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक एक समय ऐसी स्थितियों से गुजर चुके हैं जहां उन्हें रहने के लिए जगह तक नहीं मिल पाती थी, परंतु आज उसी डेडिकेशन की वजह से उनकी कंपनी इतनी बड़ी बन पाई है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।